आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र सांस सांस सा स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्स्यामितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। प्राणमय कोश और उसका विकास। स्वाध्याय के अंतिम क्रम में विद्युतीय आवेगों के केंद्र संस्थान को भारतीय योग विधा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उसे प्राणमय कोश ही कहना पड़ेगा। प्राणमय कोश का स्पंदन, विद्युतीय आवेग प्राण ही जीवन का सार तत्व है। यह प्राण ही प्रगति का आधार है। समृद्धि उसी के मूल्य पर खरीदी जाती है। सिद्धियों और विभूतियों का उद्गम स्रोत वही है। यह प्राण तत्व अपने भीतर प्रचुर परिणाम में भरा पड़ा है। उसका चुंबकत्व बढ़ा देने से विश्व प्राण में भी उसे अभीष्ट मात्रा में उपलब्ध और धारण किया जा सकता है। मानवीय सत्ता में सन्निहित इस प्राण भंडार को ही प्राणमय कोश कहते हैं। सामान्यतः यह प्रस्तुप्त स्थिति में पड़ा रहता है और उसे शरीर निर्वाह भर में काम हो पाते हैं। उसे साधना विज्ञान के आधार पर जागृत किया जा सके तो सामान्य से असामान्य प्रकटीकरण हो सकता है। प्राण की क्षमता असीम है। प्राण साधना से इस असीमता की दिशा में बढ़ चलना, प्रचुर सशक्तता प्राप्त कर सकना संभव हो जाता है। अध्यात्म शास्त्र में प्राण तत्व की गरिमा का भाव भरा उल्लेख है। उसे ब्रह्म तुल्य माना और सर्वपरि ब्रह्म शक्ति नाम दिया गया है। प्राण की उपासना करने का आग्रह किया गया है। यह प्राण आखिर क्या है, यह विचारणीय है। विज्ञानवेत्ताओं ने इस संसार में ऐसी शक्ति का अस्तित्व पाया है जो पदार्थों की हलचल करने के लिए और प्राणियों को सोचने के लिए विवश करती है। कहा गया है कि यही वह मूल प्रेरक शक्ति है जिससे निश्चिष्ट को सचेष्ट और निस्तंभ को सक्रिय होने का सामर्थ्य मिलता है। वस्तुएं, शक्तियां और प्राणियों की विविध विधि हलचलें इसी के प्रभाव से संभव हो रही हैं। समस्त अज्ञात और विज्ञात क्षेत्र के मूल में यही तत्व गतिशील है और अपनी गति से सबको अग्रगामी बनाता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से इस जड़ चेतन स्तरों की समन्वित क्षमता का नाम ही प्राण होना चाहिए। पदार्थ को ही सब कुछ मानने वाले ग्रेविटी, ईथर, मैग्नेट के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं अथवा इन्हीं की उच्च स्तरीय स्थिति उसे बताते हैं। चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व मानने वाले वैज्ञानिक इसे साइकिक फोर्स लेंटन हीट कहते हैं और भारतीय मनीषी इसे प्राण तत्व कहते हैं। यह संदर्भ में भारतीय तत्व दर्शन का मत रहा है कि प्राण द्वारा ही शरीर का अस्तित्व बसा रहता है। उसी के द्वारा शरीर का पोषण, पुनर्निर्माण, विकास एवं संशोधन। कहने का अर्थ यह है कि हर क्रिया प्राण द्वारा ही संचालित होती है। अन्नमय कोश में व्याहा प्राणमय कोश ही उनका संचालन और नियंत्रण करता है। शरीर संस्थान की छोटी से छोटी इकाई में भी
प्राण विद्युत का अस्तित्व अब विज्ञान ने स्वीकार कर लिया है। शरीर की हर कोशिका विद्युत विभव इलेक्ट्रिक चार्ज है। यही नहीं, किसी कोशिका के नाभिक न्यूक्लियस में लाखों की संख्या में रहने वाले प्रजनन क्रिया के लिए उत्तरदायी जीन्स जैसे अति सूक्ष्म घटक भी विद्युत आवेश युक्त पुटिकाओं अर्थात प्रैक्टिक्स के रूप में जाने और माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान द्वारा जाने जा सके शरीर के सूक्ष्मतम इकाई में भी विद्युत आवेश रूप में प्राण तत्व की उपस्थिति स्वीकार की जाती है। शरीर की हर क्रिया का संचालन प्राण द्वारा होने की बात भी सदैव से कही जाती रही है। योग ग्रंथों में शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने वाले प्राण तत्व को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। उन्हें पंच प्राण कहा गया है। इस प्रकार शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय प्राण को पंच उप प्राण कहा गया है। वर्तमान शरीर विज्ञान ने भी शारीरिक अंतरंग क्रियाओं की व्याख्याएं विद्युत संचार क्रम के ही आधार पर की हैं। शरीर के एक सिरे तक जो संचार क्रम चलता है वह विद्युतीय संवहन प्रक्रिया के माध्यम से ही है। संचार क्रियाओं में ऋण और धन प्रभार नेगेटिव तथा पॉजिटिव चार्ज अंदर बाहर होते रहते हैं और इसी से विभिन्न संचार क्रम चलते रहते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में सेल का डीपोलराइजेशन तथा रीपोलराइजेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय मान्यता अनुसार पंच प्राणों में वर्णित व्यान के रूप में अनुरूप है। अमाशय तथा आंतों में भोजन का पाचन होकर उसे शरीर के अनुकूल रासायनिक रसों में बदल दिया जाता है। वह रस आंत की झिल्ली में से पार होकर रस में मिलते हैं, तब वह सारे शरीर में फैल जाते हैं। कुछ रसायन तो सामान्य संचरण क्रम में ही रक्त में मिल जाते हैं, किंतु कुछ के लिए शरीर को शक्ति खर्च करनी पड़ती है। इस विधि को एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह परिवहन आंतों में जो विद्युतीय प्रक्रिया होती है उसे वैज्ञानिक सोडियम पंपों के नाम से संबोधित करते हैं। सोडियम कणों में ऋण और धन प्रभार बदलने से वह सेलों की दीवारों के इस पार से उस पार जाते हैं। उनके संसर्ग से शरीर के पोषक रसों ग्लूकोज और वसा आदि की भेदगता बढ़ती जाती है तथा वह भी उनके साथ संचरित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया पंच प्राणों में प्राण वर्ग के अनुसार कही जा सकती है। ऐसी प्रक्रिया हर सेल में चलती है। हर सेल अपने उपयुक्त आहार खींचता है और उसे ताप ऊर्जा में बदलता है। ताप ऊर्जा भी हर समय सारे शरीर में लगातार पैदा होती है और संचरित होते रहती है। पाचन केवल आंतों में नहीं शरीर के हर सेल में होता है। उसके लिए रसों को हर सेल तक पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया जिस प्राण ऊर्जा के सहारे चलती है उसे भारतीय प्राणविद्ताओं ने समान कहा है। इसी प्रकार हर कोशिका में रस परिपाक के दौरान तथा पुरानी कोशिकाओं के विखंडन से जो मल बहता है उसके निष्कासन के लिए भी विद्युतीय रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल क्रियाएं उत्तरदायी हैं। प्राण विज्ञान में इसे अपान की प्रक्रिया कहा गया है। पंच प्राणों में एक वर्ग उदान भी है। इसका कार्य शरीर के अवयवों को कड़ा रखना है। वैज्ञानिक भाषा में इसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कहा जाता है। शरीरस्थ विद्युत संवेगों से अन्नमय कोश के सेल किसी भी कार्य के लिए कड़े अथवा ढीले होते रहते हैं। शरीर में इस प्रकार की अनेक अंतरंग प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं इसकी व्याख्या वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं कर सके। उसके लिए उन्होंने कई तरह के स्थूल सिद्धांत बनाए हैं। उनमें सोडियम पोटेशियम साइकिल, पोटेशियम पंप, ATPase DP सिस्टम तथा साइक्लिक AMP आदि के हैं। इनकी क्रिया पद्धति में तो कोई रसायन विज्ञान का विद्यार्थी ही
ठीक से इसे समझ सकता है, किंतु यह सब विद्युत रासायनिक सिद्धांत ही है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी घोल में रासायनिक पदार्थों के अणु ऋण और धन प्रभार युक्त भिन्न भिन्न कणों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें आयन कहते हैं। आयनों की संचार क्षमता बहुत अधिक होती है। इच्छित संचार के बाद ऋण और धन प्रभार युक्त आयन मिलकर पुनः विद्युत दृष्टि से उदासीन अर्थात न्यूट्रल अणु बना देते हैं। शरीर में पाचन शोधन विकास एवं निर्माण की अगणित प्रक्रियाएं इसी आधार पर चल रही हैं। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सारे शरीर संस्थान में प्राण तत्व की सत्ता और सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। इन मोटी गतिविधियों से आगे बढ़कर शरीर की सूक्ष्म गहन गतिविधियों का विश्लेषण करने पर उनमें भी प्राण शरीरस्थ प्राण तत्व का नियंत्रण तथा प्रभाव दिखाई देता है। शरीर में हार्मोनों और एंजाइमों की अद्भुत सर्वथा विदित है। इन दोनों की सक्रियता शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाने एवं शक्ति संचार करने में समर्थ है। इन सभी को शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को विद्युतीय संवेगों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। वह अभी ऐसा नहीं कर सके हैं, पर अध्यात्म विज्ञान के द्वारा प्राणमय कोष को परिष्कृत कर भारतीय ऋषियों ने यह सब कर दिखाया है। वरन ऐसे प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं कि अपने प्राण परिष्कार से दूसरे व्यक्तियों को समाज को यहाँ तक कि पूरे विश्व को प्रभावित किया जा सके। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।